जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कुल्लू भाजपा के द्वारा पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की जा रही मारपीट को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। भिंडी से कुल्लू के कार्यालय के बाहर भी अपना रोष व्यक्त किया गया। इस धरने प्रदर्शन में जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा व पूर्व विधायक महेश्वर सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या व मारपीट के मामले पर भी राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि वे इस मामले पर जल्द कार्रवाई करें। इसके अलावा इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत राष्ट्रपति शासन को लागू करने की भी मांग रखी गई। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि जिला कुल्लू भाजपा ने इस घटना को लेकर अपना विरोध भी जताया है और डीसी कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। गौर रहे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद ही वहां पर हिंसक घटनाओं का दौर जारी है और कई लोगों की हत्या के मामले भी सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोरोना के नियमों को फॉलो करते हुए सड़कों के ऊपर 20-20 लोगों का ऐसा एक विरोध प्रदर्शन जो वो कर रही है और कुल्लू मंडल का आज प्रत्येक मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये कि जो वहाँ पर टीएमसी और लेफ्ट के जो गुंडों ने जो वहाँ पर मृत्यु का तांडव जो वहाँ पर जो रचा है और निर्दोष लोगों की हत्या, घरों को जलाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के ऊपर हमला करना और कार्यालय को आग के हवाले करना और गरीब लोगों के घर जलाना और निहत्ता लोगों का कत्ल करना, रेप करना, ये बड़ी शर्मसार बातें हो रही है। और बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष ममता बनर्जी को बधाई दे रही है जीत का और उनको दिख नहीं रहा है, सब अंधे और बहरे हो गए हैं और वहाँ पर जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कल और आज के बीच में 12-15 कार्यकर्ताओं को जान खोनी गंवानी पड़ी है, ये बड़ी शर्मसार करने वाली बात। अगर कहीं एक ऐसे राज्य में ये घटना होती जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन हो तो ये पूरा विपक्ष जो है UNO तक पहुँच जाता मानवाधिकार को छोड़ करके और ऐसी आलोचना। आज इनको दिख नहीं रहा है, किसी को कोई बात नहीं कह रहा है। हमारा विनम्र आग्रह है पूरे विपक्ष से, विपक्षी पार्टियों से, जहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर जो जनमाल का जो नुकसान हो रहा है, निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, नागरिकों को, माताओं बहनों के साथ रेप हो रहा है, उसकी आलोचना करें, कम से कम मानवाधिकार योग में ये बात रखें और ये मांग करें कि पश्चिम बंगाल में जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि वहाँ की जनता की, वहाँ के जनता के माल की, वहाँ जनता की सुरक्षा मिले और वहाँ जनमाल की जो है सुरक्षा हो, ऐसी हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, केंद्र की सरकार से, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। भीमसेन जी ने आपके समक्ष बात रखी, मैं तो समझता हूँ कि प्रजातंत्र में जीत और हार चली रही। हैरानी की बात है कि वेस्ट बंगाल में जो भी सत्ता में आए हैं निर्मल अपनी TMC और उसके साथ तृणमूल के साथ जिनकी जो नेता थी उनकी हार हुई है, ना तो ये अपनी हार को पचा सके और उनकी उसकी बौखलाहट में और अपने जीत के होश के मद में आकर ये निर्मम लोगों की हत्या पर उतर आए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, कार्यालय जला रहे हैं, लोगों की संपत्ति को जला रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ समूचा जो विपक्ष है वो बधाई देने में जुटा हुआ और ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं कि आप सत्ता में आ गई। और जैसा इन्होंने कहा, हम ये मांग करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि जो असलियत आज हो रही है, जो हत्याओं का तांडव नृत्य वेस्ट बंगाल में हो रहा है, कम से कम उसकी तो भर्त्सना करिए और अपील करिए कि निर्मम लोगों की हत्या मत करिए। इस प्रकार के कार्यालय जलाना, लोगों को खदेड़ना और 150 लोगों से ज्यादा जो लोगों को मृत्यु के घाट पर उतार दिया है,
ऐसे लोगों को कम से कम शांत रहने की आवश्यकता है, जगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और खो बैठने के कारण ये सब कुछ कर रहे हैं। कुल्लू से दिनेश गौतम की रिपोर्ट।